ये तो मुझे मैनिपुलेशन लगा एक्चुअली, मतलब ऐसा मुस्लिम का भी दिखाया है लेकिन इंडियंस आर द सेम। अगर हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की कीमत कदर करना सीखो। द केरला स्टोरी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी स्टोरी थी क्योंकि मेरी बहन मेरे से 6 साल बड़ी है, आई एम 18, सो सबसे ज्यादा मैं रिलेट कर पाया था, सेम एज लाइक गर्ल्स आर डूइंग दिस। सो इसमें से मेरे को जो समझा कि इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट अबाउट ह्यूमैनिटी। और मैं सबसे ज्यादा इस चीज को बोलूंगा कि लड़कियों को मत दिखाओ ये चीज, लड़कों को दिखाओ कि सुधर जाओ। इट इज नॉट अबाउट सेक्स एवरी टाइम, प्यार करना भी एक ये होता है कि मतलब एक सीन मैंने अभी याद आया मुझे कि उसको ऐसा फील हुआ था कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे से, टेक अ स्टैंड आउट ऑफ इट। गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा फर्म होना चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर, शी शुड नॉट बी लाइक कि हाँ चलो इससे प्यार हो गया सो गिव एवरीथिंग टू हर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, ये कब तक आपने समझा इसको, क्या इसमें कितनी सच्चाई नजर आई या झूठी नहीं? ये तो मुझे मैनिपुलेशन लगा एक्चुअली, मैनिपुलेशन था। तो इसमें गर्ल्स को मैं वही बोल रहा हूँ कि फर्म हो जाओ अपनी चीजों पे, एंड इट इज लाइक ह्यूमैनिटी पे। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि ह्यूमैनिटी इज मोस्ट, जो मेरे को इसमें से समझ में आया कि मैनिपुलेट मत हो जाओ पहले तो, एंड इट इज नॉट अबाउट रिलीजियंस अलग 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 अलग। इट इज मतलब ऐसा मुस्लिम का भी दिखाया है लेकिन इंडियंस आर द सेम। सो मैं मुस्लिम को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको ही सही कह रहा हूँ कि लाइक लड़कियों की भी गलती है, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स का नहीं माना, सो वी कांट ब्लेम ओनली द बॉयज। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि लड़के गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही है वगैरह, मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये। इसमें एक लड़की थी जो सभी लड़कियों को उस रास्ते पे लेके गई, वही पे ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है ना कि मतलब वो गलत है सही है लेकिन मैं क्या बोलूं, ये मेंटालिटी। कौन सा सीन पर आपको थोड़ा सा काफी अलग लगा या कुछ आया हो या कुछ ऐसा ही जो आपने रिएक्ट किया हो? मुझे ओवरऑल स्टोरी पे थोड़ा गुस्सा ऐसा बोलूंगा कि नहीं होना चाहिए था, जो भी वो तीनों लड़कियों के साथ हुआ, एक ने सुसाइड किया, एक को पता चल गया लेकिन उसके साथ भी रेप हुआ और एक लड़की ऑलमोस्ट फंस गई थी, और मेरे को ये अच्छा लगा कि उसका एंड वाज लाइक कि वो उसमें से बाहर निकली, दैट वाज द मेन, कि मतलब लड़की ने वहाँ पे स्टैंड लिया, वो बाहर निकली। सो टेक स्टैंड्स गर्ल्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने इस पे फर्म रहना। टेक इट, दिस इज नॉट द स्टोरी, दिस इज द रियलिटी। आप बड़े बड़े बोले स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है बेटा, ये रियलिटी है। 32,000 आंकड़े गवर्नमेंट के आ रहे हैं, 50,000 के ऊपर लड़कियां गायब हैं, सिर्फ 700 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 236 लड़कियां रेस्क्यू हुई हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का ठेका सिर्फ हम हिंदुओं ने नहीं लेके रखा है। मैं यहाँ मजहब की बात, आप बोल रहे हो ना मजहब की बात, मैं नहीं कर रही हूँ। अगर हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की कीमत कदर करना सीखो। नहीं नहीं नहीं, यही बात हो रही है कि हम सिर्फ हमने ठेका नहीं लेके रखा है सेक्युलरिज्म का, हम बहुत अच्छा बनने जा रहे हैं ना, इसका ये परिणाम हो रहा है। सबसे ये कर दिया है मोगल्स वगैरह, कितने अपने हिंदुओं को पूरा, कितना अपना हिंदुस्तान का पूरा सब हिंदुइज्म चला गया है। असहिष्णु बन के ये काम करना है। मैं तो मोदी जी से एक, जो भी अभी अभी सत्ता में है भाजपा के, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, जिसको यहाँ रहना है उसको हिंदुत्व को मानना पड़ेगा, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अभी बारी है, भारत को अखंड भारत बनाने का ये समय है। आपने कहा जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा उसे क्या कहना होगा? जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जो नहीं कहेगा उसको पार्सल डिपार्चर भेज देना है। सीरिया में जाके रहे, वहाँ पे उनके लिए जगह है, उनकी गाड़ी निकल गई, जो जो धर्म के नाम पे रहना चाहते थे ना, उनकी गाड़ी पाकिस्तान निकल गई है। जिसको यहाँ रहना है ना, तो उसको हिंदुस्तान को हिंदुत्व के हिसाब से रहना। हमारे घर में गणपति जी आते हैं, हम स्वामी समर्पण करते हैं। तो
क्या ऐसा क्या हो गया कि आपको अटकना पड़ा और आपको इस तरह की आपको बता के गए कि ये स्टोरी नहीं है? स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। मैं अभी उनका जो कहना है कि ह्यूमैनिटी पे मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदू, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में जितने भी है ह्यूमैनिटी पे ही असर हो।